टीवी के बारे में अनेकों प्रकार की भ्रांति अभी भी जनमानस में पाई जाती है। देखने में आया है कि लोग चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, शहर के हैं या गांव के, अमीर हैं या गरीब, टीवी को अभी भी एक अभिशाप के रूप में मानते हैं। हमारी टीम ने पिछले साल अनेकों प्रयास किए हैं कि हम इस भ्रम को दूर करें। एक शोध भी की हमने अस्पताल में, और वो शोध मैंने खुद स्वयं उसको किया था, और सौभाग्य रहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर शोध प्रदर्शित की गई। अभी मनाली में इफा कॉन कॉन्फ्रेंस हुई है, इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय स्तरीय कॉन्फ्रेंस में इस शोध को सराहा भी गया। शोध में हमने यही पाया था कि लोग अभी भी, कोई भी तबका हो समाज का, पढ़ा लिखा अनपढ़, अमीर गरीब, काम करने वाला या घर पे रहने वाला, वो अभी भी टीबी को छुआछूत की बीमारी मानते हैं। तो हमने ये भी पाया शोध में कि लोग अभी भी ये मानते हैं कि टीबी छूने से होती है, साथ बैठने से, किसी व्यक्ति के साथ खाना खाने से ऐसे टीबी फैलती है, या बर्तन साझा करने से। लेकिन इन भ्रांतियों को और इन भ्रम को दूर करने के लिए हमारे विभाग ने बहुत कार्य किया है, और अनेकों माध्यम से, चाहे वो पैम्पलेट है, बैनर है, पोस्टर है, या मैसेज है, या ट्रेनिंग है, इसमें हम हमेशा निरंतर एक जनमानस को संदेश पहुंचाते हैं कि टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है, यह खांसी से फैलती है, सिर्फ खांसी से। तो खांसी करने वाला व्यक्ति अपना इलाज करवाए, अगर उसको टीबी है तो टीबी का इलाज हो जाएगा, टीबी नहीं है तो कम से कम वो दूसरों को संक्रमण तो नहीं दे रहा होगा। लेकिन खांसी को छुपाकर घर पे बैठकर रखना नहीं है। और टीबी ऐसे छूने से, एक दूसरे को छूने से नहीं होती है, ना ही बर्तन साझा करेंगे या साथ बैठ के खाना खाएंगे, इन चीजों से टीबी नहीं होती है, टीबी सिर्फ खांसी से होती है। तो यही सारी चीजें हमने अपनी शोध में, अपनी रिसर्च में, जो मेरा एक पेपर सिलेक्ट हुआ था उसमें, अब ये संदेश सारे देश तक जाएगा, क्योंकि जब भी आप किसी कॉन्फ्रेंस में कोई चीज प्रदर्शित करते हैं तो वो फिर अब लेखनी में आ जाती है, रिटन में आ जाती है, और फिर वो एक पॉलिसी डिसीजन में भी कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होती है। सब तो ये क्या एक नया आयाम स्थापित करेगा टीवी में, अगर बात करें तो कितना इससे टीवी कम होने में। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हमने तो इस शोध को पिछले साल किया था, उसके बाद हमने अपनी कार्यशैली में जो शोध के परिणाम आए थे कि लोगों में अभी भी भ्रांति है, तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए हमने पिछले सारा साल काम किया है। आप देखेंगे जगह जगह सोलन जिला में जो हमारे पोस्टर लगे थे, उसमें हमने ध्यान दे करके एक वाक्य लिखा है कि टीबी केवल खांसी से फैलती है, टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है, टीबी साथ बैठने से, साथ खाना खाने से, या बर्तन साझा करने से नहीं फैलती है। तो ये हमने फिर निरंतर अपनी कार्यशैली में इस चीज को उतार दिया था, इस संदेश को, ताकि जनमानस तक ये संदेश पहुंच जाए, और निरंतर इस पे हम आगे भी काम करते रहेंगे। और इससे काफी फर्क भी पड़ा, जब हमने ये संदेश देना शुरू किया तो जो थोड़ी भ्रांति जो लोगों में थी, हम भी अपनी ओपीडी में पूछते रहते हैं, तो मैंने देखा इसमें बदलाव आना शुरू हुआ है। अब लोग मानने लगे हैं कि टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल डॉट केसरी।